हाय हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आ गई हूँ आज अपने साथ चंदा की रिक्वेस्ट पे एक वीडियो लेके, और ये वीडियो होने वाला है कॉफी लवर्स के लिए। सी मैं भी एक कॉफी लवर हूँ, तो मैं कॉफी से रिलेटेड कोई भी नए प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में आते हैं तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उसे ट्राई करूँ और आप तक उसका रिव्यू पहुंचाऊं। और सेम ही मैंने ऐसा कुछ किया था कुछ टाइम पहले जब कंट्री बीन की कॉफी का रिव्यू मैंने किया था। बहुत टाइम से बहुत एड्स आ रहे थे, तो मैंने वो कॉफी को जब देखा था तो मुझे लग रहा था कि यार ट्राई करना बनता है और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर बनता है। तो उसमें मुझे बहुत सारा प्यार मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मैं कहीं पर यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप देख लेना अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो। उसी वीडियो में किसी एक ने मुझे कमेंट किया था कि आप मुझे रेज कॉफी का भी रिव्यू करके बताइए। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, थोड़ा डिले हो गया बट येस आई एम हियर विद द रिव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं बेसिकली रेज कॉफी वर्सेस कंट्री बीन की कॉफी पे। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले रेज कॉफी के बारे में, फिर उसके बाद हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं रेज कॉफी की। तो रेज कॉफी की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आती है एंड मतलब क्वाइट सिमिलर पैकेजिंग है। मैं सिमिलैरिटीज भी आपको बताती रहूंगी। क्वाइट सिमिलर पैकेजिंग है दोनों का, ग्लास बॉटल है, ये एक अच्छी बात है। आजकल लोग प्लास्टिक बॉटल से बेटर है ग्लास बॉटल प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। 50 ग्राम्स की है ये बॉटल एंड 50 ग्राम्स का प्राइस है 349 रुपीज पर बॉटल। तो मैंने दो फ्लेवर इसके स्पेसिफिकली परचेज किए थे, दैट वॉज आयरिश हेजलनट एंड क्रीम कैरमल। तो मैंने जब इनके वेबसाइट पे देखा तो इनके जो मतलब रेंजेस हैं कॉफी के जो फ्लेवर्स के, वो बहुत ज्यादा हद तक कंट्री बीन के भी वही रेंजेस हैं। मतलब उनके पास भी क्रीम कैरमल है, उनके पास भी हेजलनट है, उनके पास कोको मिंट है, इनका भी एक मिंट फ्लेवर है, इनके पास भी बेसिक कॉफी है। तो मतलब फ्लेवर्स ऑल एन एवरेज सबके दोनों में सेम ही थे। बट हाँ, इनका क्या है, रेंज कॉफी के वेराइटीज कुछ अलग है। लोग सेशे में भी बनाते हैं, इनका लिक्विड कॉफी भी आता है, तो मैंने वो तो स्पेसिफिकली नहीं ट्राई किया। अगर आप चाहते हो कि मैं वो भी ट्राई करूं तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, बट मैंने स्पेसिफिकली कॉफी ट्राई किया। तो देखो पैकेजिंग में सेम है, प्राइस में जो कंट्री बीन है उसका प्राइस 325 रुपीज होता है पर बॉटल, इनका 349 है। चलो ठीक है, इतना भी कोई डिफरेंस नहीं है प्राइस का, चलता है, मतलब 20-25 रुपए इज फाइन। अभी जो मैं मेन चीज बता रही हूँ, टेक्सचर दोनों का ही ग्रैनुअल है, एकदम पाउडर्ड टेक्सचर ना कंट्री बीन की कॉफी का रहता है ना इसका रहता है, बट इसका मोर ग्रैनुलाइज टेक्सचर है, ठीक है। तो मतलब मैं पर्सनली ऐसे ग्रैनुअल को प्रेफर करती हूँ पाउडर के उस बेटर से, क्योंकि उसमें ना एक फ्लेवर, एक बहुत अच्छा कॉफी में लेदर आता है अगर ग्रैनुअल फॉर्म की कॉफी आप डालते हो दूध में। तो बस इसमें यही हुआ कि दोनों का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद आया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा सिमिलर थे, वो एक अलग ऑरा जनरेट करता है उसका फ्लेवर, क्या बोलते हैं कंट्री बीन का। थोड़ा सा हेजलनट इज लाइक डार्कर साइड, और इसका जो हेजलनट है मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब उसकी खुशबू जो है वो थोड़ी स्वीट में है, फ्लेवर जो है हल्का सा डार्क में, तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन आता है पीने के लिए। तो मैं पर्सनली बताऊं तो क्रीम कैरमल मुझे दोनों का सेम लगा, बट हेजलनट ने मेरा दिल जीत लिया। इसका जो हेजलनट है इट्स क्वाइट गुड, आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है दोनों को, थोड़ा थोड़ा सा ही बाकी है। तो मतलब ये ऐसा भी नहीं है मैंने कंप्लीट यूसेज के बाद ही रिव्यू देना पसंद किया। तो इन जनरल मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरे लिए क्रीम कैरमल और हेजलनट है इसका, ये मैं रखूंगी कंट्री बीन से ऊपर इन दोनों को। बट जो कोको मिंट है कंट्री बीन का, उसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि इसका मिंट फ्लेवर भी मैंने ट्राई किया, मेरे फ्रेंड के पास था, मेरे पास तो नहीं है, तो मैंने जस्ट ट्राई किया था उसको, उससे ज्यादा बेटर मुझे कंट्री बीन का कोको मिंट लगता है, दैट इज माय फेवरेट। क्योंकि अगर आप ब्लैक कॉफी के शौकीन हो तो आप कोको मिंट जरूर ट्राई करना, क्योंकि वो बहुत ही अलग ही लेवल पे टेस्ट करता है, तो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दैट। तो इन टोटल बस यही बोलूंगी कि दोनों कॉफी जो है, रेज उसका अपना अलग मार्केट है, अपना अच्छा कॉफीज है, मैं मतलब कॉफी के बारे में बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि बुरा करने लायक कुछ है नहीं। थोड़ा सा 20-25 रुपए प्राइस थोड़ा इसका हाई है, कंट्री बीन का कम है, और क्या कहते हैं
मैं फ्लेवर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये लोग दोनों सेम रेंज के फ्लेवर निकालते हैं, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो रेज कॉफी का परचेज करना तो मैं ये जरूर बोलूंगी, एक बार आप इसका हेजलनट और क्रीम कैरमल, सो फर्स्ट क्रीम कैरमल ट्राई करो फिर हेजलनट ट्राई कर सकते हो, मतलब अगर सिंगल ट्राई करना है तो। बहुत अच्छा फ्लेवर है, मतलब इनका क्योंकि ग्रैनुल्स की वजह से ये डिफरेंस है कि कुछ अलग ही लेदर आता है, मतलब कॉफी में जो हम कहते हैं ना बिना फ्रॉथ किए हुए भी कॉफी में एक आपको झाग मिलता है, एक लेदर मिलता है, एक बहुत अलग टाइप का टेक्सचर मिलता है कॉफी में, तो वो टेस्ट करने में बड़ा क्रीमी लगता है पीने में, तो ये अच्छी चीज है, मतलब बिना किसी फ्रॉथर के या कुछ के भी। प्लस इसमें ये रहता है, इसमें मुझे ऑफ कई एक बार मैंने जब फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था तो मुझे एम कैफीन का सोप मिला था फ्री, सेकेंड टाइम जो मैंने ऑर्डर किया तो मुझे इनका फ्रॉथर मिला। चलो तो अब मैं वीडियो का ज्यादा लंबा नहीं करती हूँ, जस्ट इन जनरल मैं आपको इन टोटल ये बता देती हूँ कि आप डेफिनेटली दोनों ट्राई कर सकते हो, दोनों के फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्टैंडर्ड कॉफी पीना पसंद करते हो तो भी इनके जो बेसिक कॉफी के फ्लेवर्स है वो भी दे आर प्रिटी गुड, बट हाँ ये नेस्कैफे से थोड़े कॉस्टलियर साइड है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ट्राई करना है तो इनका फ्लेवर्ड वाला ही करना। अगर प्लेन कॉफी पीनी है तो आप नेस्कैफे पे जा सकते हो। तो यस, यहाँ मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को शेयर कर देना, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर देना, एंड यस एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।